हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज़। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बस बार के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि बस बार होता क्या है और किसी भी इंडस्ट्रीज़ में बस बार का पर्पज़ क्या होता है, बस बार लगाया क्यों जाता है किसी भी सिस्टम में। इन सभी टॉपिक्स पर आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, बस बार का मतलब होता है ग्रुप ऑफ कंडक्टर्स, चाहे ये कॉपर के कंडक्टर हो सकते हैं, ये एल्यूमिनियम के कंडक्टर हो सकते हैं, या ये ब्रास के भी कंडक्टर्स हो सकते हैं। तो जब भी आप किसी ग्रुप ऑफ कंडक्टर्स को आपस में नट बोल्टिंग के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो उसी को बस बार सिस्टम बोला जाता है। अब दोस्तों, बात ये आती है कि बस बार का यूज़ क्या है, इंडस्ट्रीज़ में बस बार को लगाया क्यों जाता है। तो देखिए, नॉर्मली क्या होता है, बस बार का काम है कि वो इनकमर पैनल से पावर को ले और जितने भी आउटगोइंग फीडर्स है उसमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दे। देखिए, नॉर्मली इंडस्ट्रीज़ में जो MCCs होती है, MCC का मतलब होता है मोटर कंट्रोल क्यूबिकल, या ऐसी PMCCs भी होती है जिसे पावर मोटर कंट्रोल क्यूबिकल भी कहा जाता है। तो नॉर्मली एक MCC में एक इनकमर होता है, कोई कोई MCC में दो इनकमर भी होते हैं कि आप कभी किसी एक साइड में प्रॉब्लम आए तो आप दूसरे से बस को चार्ज कर सके। पर सिंपलेस्ट वे में हम एक कंडीशन लेके चलते हैं कि एक MCC है और उस MCC में एक इनकमर है। तो एक MCC में मान लीजिए 35 फीडर्स है, मतलब कि 35 छोटे छोटे पैनल है जिससे हम 35 मोटर्स को सप्लाई सेंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक इनकमर से इन 35 फीडर्स को आपस में कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हम हर एक पैनल के लिए एक एक इनकमर नहीं लगा सकते। तो एक इनकमर कॉमन रहेगा और उस इनकमर से हम 30, 32 या 40 पैनल्स तक को सप्लाई सेंड करेंगे। तो ये पर्पज़ को सॉल्व करने के लिए बस बार का यूज़ किया जाता है। तो बस बार को आप एक इलेक्ट्रिकल जंक्शन भी कह सकते हैं, जिसका काम होता है कि वो इनकमर पैनल से सप्लाई ले और जितने भी आउटगोइंग पैनल्स हैं, जितने भी आउटगोइंग फीडर्स हैं, ये 30, 35, 40 कितने भी हो सकते हैं, उन सभी को पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो इसलिए बस बार का हम लोग यूज़ करते हैं कि हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट इक्वली कर सके और बहुत ही सिंपल वे में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कर सके। ये तो बेसिक फंक्शन हो गया किसी भी बस बार का। अब दोस्तों, एक बात और है कि बस बार का जो कंडक्टर्स होते हैं उसको बहुत थिक बनाया जाता है, क्योंकि देखिए, किसी भी सिस्टम में जब भी फॉल्ट कंडीशन आती है, किसी भी सिस्टम में जब शॉर्ट सर्किट जैसा फैटल इंसिडेंट होता है, तो उस केस में बस बार से भी फॉल्ट करंट कैरी होता है। मतलब बस बार से भी आपका जो शॉर्ट सर्किट करंट है ये फ्लो होता है। तो ऐसे में आपके बस बार की जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है और आपके बस बार की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, ये इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि वो शॉर्ट सर्किट करंट को बियर कर सके। नहीं तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि करंट की वैल्यू इतनी ज़्यादा रहती है कि आपका बस बार ही मेल्ट हो जाता है। जैसे अगर मैं एल्यूमिनियम बस बार की बात करूँ, तो 160 डिग्री सेल्सियस पे एल्यूमिनियम अपनी मैकेनिकल स्ट्रेंथ को लूज़ करके सॉफ्ट हो जाता है। तो इसलिए बस बार का जब भी आप सिलेक्शन करते हैं तो आपको ये भी डिसाइड करना ज़रूरी होता है कि आपके सिस्टम का फॉल्ट करंट कितना है। उस हिसाब से हम देखेंगे कि हमें एल्यूमिनियम बस बार लगाना है या कॉपर बस बार लगाना है, और जो बस बार हम लोग लगाएंगे उसके डायमेंशंस क्या होंगे, उसकी थिकनेस क्या होगी। क्योंकि जब भी कोई शॉर्ट सर्किट करंट होगा तो उस केस में जो हैवी अमाउंट ऑफ करंट बस बार के थ्रू फ्लो होगा, तो बस बार कि ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि बस बार उस शॉर्ट सर्किट करंट को बियर कर सके विदाउट खुद को डैमेज किए। तो इसलिए दोस्तों, जो बस बार होते हैं उन बस बार का सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंडस्ट्रीज़ में। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जो बड़े बड़े पावर केबल्स होते हैं, तो जब भी आप कनेक्शन करने के लिए जाएंगे किसी भी पावर केबल को, तो उसको ट्विस्ट एंड टर्न्स करना बहुत मुश्किल होता है। जो हमारे नॉर्मल फ्लेक्सिबल केबल्स होते हैं 2.5 स्क्वायर एमएम के, 4 स्क्वायर एमएम के, ये तो इजीली ट्विस्ट हो जाते हैं, आप इसे कहीं भी बेंड कर सकते हैं और इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। पर जो बड़े बड़े पावर केबल्स होते हैं, ये पावर केबल्स को बेंड करना उतना आसान नहीं होता। तो कनेक्शन को सिंपल बनाने के लिए, आपके सिस्टम को सिंपल बनाने के लिए बस बार में ही ट्विस्ट एंड टर्न्स क्रिएट किए जाते हैं। जब आप किसी भी बस बार का ऑर्डर देंगे किसी भी इंडस्ट्रीज़ को, जब आप एक MCC का ऑर्डर देंगे, तो जो MCC में बस बार लग के आएंगे, आप उसे देखेंगे तो उसमें बहुत सारे टर्न्स भी रहेंगे, बहुत सारे ट्विस्ट भी रहेंगे, जिनको आपस में नट बोल्टिंग के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा।
तो ये इसीलिए किया जाता है कि केबल को तो आप ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न नहीं कर सकते, क्योंकि पावर केबल की जो थिकनेस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। हाई स्क्वायर एमएम के केबल्स हम लोग यूज़ करते हैं पावर को कनेक्ट करने के लिए, तो इसलिए ये सारे ट्विस्ट एंड टर्न का जो अरेंजमेंट है ये बस बार में ही किया जाता है, ताकि कनेक्शन वाइज आपको सिंपल पड़े। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने देखा कि बस बार का पर्पस क्या होता है। बस बार का सिंपल पर्पस है कि वो इनकमिंग से पावर ले और आउटगोइंग में पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, बस। इसके अलावा बस बार का और कोई फंक्शन नहीं है, बस आपको बस बार की स्ट्रेंथ की जो रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल करना ज़रूरी है, ताकि कोई भी सीवियर फॉल्ट जब भी किसी सिस्टम में हो तो बस बार में इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो शॉर्ट सर्किट करंट को बियर कर सके। तो दोस्तों, बस बार से रिलेटेड अगर आपको और कोई भी डाउट हो तो आप उनसे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ कल एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।